जय फूलन जय संविधान कहते हुए आप सभी लोगों को जय फूलन जय संविधान जय जुब्बा साहनी कहते हुए मैं अपनी चंद बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, ये सही जुब्बा साहनी की धरती है जहां से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया गया था। जुब्बा साहनी द्वारा यह बिरसा मुंडा की हमारे भगवान की धरती है। आज इस धरती पर पूरे भारत के मजलूमों, गरीबों के मसीहा मानी सन अपना मुकेश साहनी जी द्वारा विकासशील इंसान पार्टी का उद्घोष किया जा रहा है। राजनैतिक हिस्सेदारी के लिए पूरे भारत में जो मुहिम चली है आज झारखंड में मानी सन अपना मुकेश साहनी द्वारा पहुंच चुका है। जैसा कि झारखंड की धरती पर आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये नक्सलाइड एरिया है। नक्सलाइड कोई बन करके नहीं आता, नक्सलाइड इन शासकों द्वारा हमें नक्सलाइड बनने के लिए मजबूर किया जाता है। उसी को सुधारने के लिए, उसी हक अधिकार को दिलाने के लिए जिन शासक वर्गों द्वारा जो मेरा हक अधिकार नहीं मिला है, राजनैतिक स्थिति में मानी सन अपना मुकेश साहनी पूरे भारत में हम मजलूमों के जो मान सम्मान स्वाभिमान जो मेरा हक अधिकार है उसको दिलाने के लिए आगे आ रहे हैं। इनके लिए मैं अपने हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, बहुत ज्यादा मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं पूरे भारत में जो गरीब मजलूम है उनकी शिक्षा का सत्यानाश कर दिया गया है, उनके आरक्षण का सत्यानाश कर दिया गया है, उनके रोजगार का सत्यानाश कर दिया गया है। अर्थात ये जो तीनों वृक्ष रूपी हमारे हैं, इन तीनों वृक्षों के जड़ों में तेजाब डाल दिया गया है। तेजाब डालने की वजह से सारी टहनियां सारी पत्तियां सूख गई हैं। समय है, जड़ें अभी बाकी हैं। मानी सन अपना मुकेश साहनी साहब 2018 से निरंतर पानी डालने का काम कर रहे हैं। आप लोग भी अगर निरंतर पानी डालने का काम माननीय मंत्री जी के साथ करेंगे तो जो जड़ें बाकी हैं उस जड़े से कल्ले निकल सकते हैं। एक आस है कल्ले निकलने की, लेकिन आपको आगे आना होगा, आपको माननीय मंत्री जी के साथ चलना होगा ताकि उस जो तेजाब है उसका प्रभाव खत्म हो जाए और जड़ों से कल्ले निकल आए। एक आस है, अगर इस आस को आप छोड़ेंगे तो फिर दोबारा कोई सन आप मल्ला मुकेश साहनी भारत में अभी पैदा होने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर तक बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग कहेंगे, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी लोगों को जय फूलन जय वीआईपी जय संविधान कहते हुए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। सहित सभी लोगों को जय वीआईपी जय फूलन जय संविधान कहते हुए सामने माताएं और बहने नौजवान साथियों आप सभी लोगों को जय फूलन जय संविधान जय वीआईपी कहते हुए कुछ चंद बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। हो गया गाड़ी। साथियों, आज की इस स्थिति में उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 2012 में हमें आरक्षण का वादा किया, 2014 में मुझे आरक्षण का वादा किया, 2017 में आरक्षण का वादा किया, 2019 में आरक्षण का वादा किया, धोखा ही धोखा मिला। समय से माननीय सन्नत मल्ला मुकेश साहनी साहब ने देखा कि आरक्षण रूपी वृक्ष पर भारतीय जनता रूपी तेजाब पड़ गया है, रोजगार पर तेजाब पड़ गया है, आपके शिक्षा पर तेजाब पड़ गया है, जिसकी वजह से शिक्षा रूपी पत्तियां सूख गई हैं, तने सूख गए हैं, रोजगार रूपी पत्तियां और तने सूख गए हैं। इसी तरह आपके आरक्षण रूपी जो वृक्ष था उसकी भी टहनियां पत्तियां सूख गई हैं।
माननीय मंत्री जी को सुनना है, आपने मेरी बात सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।